बड़ी खबर बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। एक पक्ष के लोगों ने छत से जमकर ईंटें पत्थर बरसाए। इस पथराव में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पठानकोट मोहल्ले का है, जहां पर मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव में करीब एक दर्जन लोगों ने छत से ईंटें पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव शुरू होते ही मौके पर भगदड़ मच गई। इस पथराव में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागपत में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं समीर, कहाँ के रहने वाले? क्या मामला हुआ, क्यों कैसे घायल हुए? ऊपर टेन के बजाय मारे। क्यों? अपने द्वार अपने ऊपर टेन के बजाने से उठा दी। किन्होंने? हमारे पड़ोसियों ने। किस बात को लेकर हुआ झगड़ा, क्या मामला है? अपने द्वार पर हम अपने द्वार पर आ गए थे, देखते रहे मेरे लोग पड़ टेन के बजाय। नाम तो सेजा जी, कहाँ के रहने? पट्टी वालों मोहल्ला गुसाईवान। क्या हुआ है आज? हम अपना मकान बना रहे थे, उस नीव को लेकर झगड़ा हो गया पड़ोसी के साथ में। उन्होंने पहले ही ऊपर ईंटी रख रखी थी, जब हम अपनी नींव उखाड़ रहे थे तो उन्होंने ऊपर से ईंटी बरसा दी हमारे ऊपर, जिसमें हम गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी जांच की जाए अभी तुरंत। उन्होंने ऊपर अब भी ईंटी रखी है उनके ऊपर। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? हम ये है मेरा भाई घायल, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल। ईंटी बरसाने वाले 5-6 लोग हैं जी, और तमंचे लेकर फायरिंग कर तमंचे दिखा रहे फिर बाद में हमको दादागिरी दिखा रहे ऊपर से। इसकी गंभीर रूप से जाँच हो ऊपर जाके, ईंटी अब भी पड़ी है वहाँ पर जी।